राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकलकर और देश और दुनिया में भारतीय संस्कृति का डंका बजाने वाली ये रूमा देवी हमारे साथ हैं। इन्होंने ये नहीं सोचा कभी कि आगे क्या होगा या पीछे क्या होगा, लेकिन सबको साथ लेकर जिस तरह से इन्होंने कार्य किया है वो एक तारीफ़े काबिल है। महिला शक्ति को किस तरह से आगे बढ़ाना है, महिला शक्ति को किस तरह से और अधिक संस्कृति से जोड़ना है, ये रूमा देवी से हम जानते हैं। हम मेरी आठवीं में स्कूल छूट गई थी, मैं आगे नहीं पढ़ाई कर पाई, लेकिन हम हर साल 50 से 60 बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं कि आज भी जो लड़कियों की स्कूल छूट जाती है उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करते हैं, उनकी पढ़ाई जारी रहे। किस्सा मेरी दादा ससुर जी का सुनाना चाहती हूँ, जिससे मुझे बहुत हिम्मत मिली। 1940 के दशक से ये कंपनी चालू हुई और उन्हें ट्रैक्टर बिजनेस चालू करा, और वो उदयपुर संभाग के गांव-गांव जाते थे और ट्रैक्टर डिमॉन्स्ट्रेट करते थे और ड्राइवर बन के जाते थे, और वहाँ के किसान भाई उनको बोलते थे कि बहुत अच्छा लगा आपका, आपने बहुत अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन दिया, आपके सेठ जी से हमें मिलना है एक बार आकर। और वो बोलते थे साहब आइए, आप आइए उदयपुर, हम मिलिएगा। वो किसान भाई उदयपुर आते, हमारे ऑफिस में आते, सूटेड बूटेड दादाजी को देख के बोलते साहब आप कल ही बोल देते आप ओनर हैं। तो उनका बहुत सरल जवाब रहता था, वो बोलते थे कि मैं वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटर बनकर आया था, आज मैं आपसे एक बिजनेस ओनर की तरह डील करूँगा। सो इस चीज़ ने मुझे बहुत प्रेरणा दी, और उनके ऐसे ही आदर्शों पर चलते हुए बिजनेस की प्रैक्टिकलिटी को हाथ में पकड़ कर मैं मोल्ड हुई और बेटर होती गई। बिजनेस ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, मेरे एक्सपीरियंस से दो एस्पेक्ट्स होते हैं बिजनेस ग्रोथ के। पहला बहुत ऑब्वियस होता है, हर बिजनेसमैन की आंखें सिर्फ एक ही चीज़ पर होती है, प्रॉफिट इंक्रीमेंटली बढ़ता रहना चाहिए, साल दर साल बढ़ना चाहिए। और दूसरा जो बहुत क्रूशल होता है, आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, विच मीन्स हाउ मच अ बिजनेस ओनर इज रेडी टू अडैप्ट, इम्प्रूव एंड इम्पैक्टफुली टेक डिसीजंस टू ग्रो हिज बिजनेस। क्योंकि बिजनेस ग्रोथ से पहले ज़रूरी है ग्रोथ माइंडसेट की, और बहुत ज़रूरी ये बात जाना, बिकॉज स्पेशली बिकॉज शी क्रिएटेड लेट मदर इन लॉ, इनफैक्ट शी क्रिएटेड दैट स्पेस एंड कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन विच बिकॉज ऑफ विच आई कुड बाउंस बैक इन अ बिजनेस। और मैं मेरे दादा ससुर जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, मेरे फादर मुझे मेरे परिवार से बहुत सहयोग मिला। पर जैसे आप सभी जानते हैं कि इट इज़ नॉट सो ईजी फॉर अ महिला कि वो इतनी ईजीली एक बिजनेस में एक्सेप्ट की जाए, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो। क्योंकि इनिशियली मुझे ऑफिस में जैसे फैमिली ने तो एक्सेप्ट कर लिया था, पर जैसे ऑफिस जब भी जाती थी कोई मुझे सीरियस नहीं लेता था, इट वॉज ऑलवेज कि भाभी आई है, मतलब वही था कि बहुत कैजुअल अप्रोच था सभी चीज़ के लिए। सो मुझे अपने आप को साबित करना था, एंड हर महिला की यह एक चाह होती है कि वह एक बेहतर बहू बने, एक बेहतर पत्नी बने और एक बेहतर माँ बने। अपने आप को साबित करना था मुझे, पर इन सभी चीजों के साथ मेरी एक इच्छा यह भी थी कि एक बेहतर बिजनेस वुमन कहलाऊं मैं। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी के साथ में जिलों की नगरी उदयपुर की महिलाओं ने खूब चर्चा की। महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण को लेकर जिस रूप में देश और दुनिया में चर्चाएं हो रही हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नित नए उपाय सुझाए जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री हो, देश के राष्ट्रपति हो और राज्यों के मुख्यमंत्री हो, सभी का यही लक्ष्य है कि महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, और जो महिलाएं विशेष रूप से आगे हैं उनका किस तरह से उपयोग कर समाज को एक नई दिशा दी जाए, इसी कवायद में जिलों की नगरी उदयपुर में विशेष आयोजन 13 महिला मंडल की ओर से यह हुआ है, और उसमें राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी और DVSP जो चेतना भाटी हैं उन्होंने शिरकत की। विशेष रूप से उद्योगपति महिलाएं भी आई और अपने अपने अनुभव साझा किए। महिलाओं ने विशेष रूप से रूमा देवी के अनुभव तो सुने ही, लेकिन अपने अनुभव भी बताए,
और साथ में उद्योगपति महिलाओं ने भी अपने अनुभव बताए। रुमा देवी से हम जानते हैं कि उन्होंने किस कठिनाइयों से पार करते हुए ये नगर पार की है। आप बहुत छोटे से गांव से हैं और देश ही नहीं पूरी दुनिया में आपने संस्कृति का लंका बजाया है। बहुत ही सीधे और सहज रूप में आप लगते हैं, लेकिन आपकी प्रतिभा बहुत ही असहज है, बताएं। देखिए, मैं छोटे से गांव से हूँ, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके से काम कर पाऊँगी। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे कुछ करना पड़ा और वो मैंने सुई धागे से शुरुआत की, लेकिन आगे मैंने ये नहीं सोचा कि ये काम सिर्फ मेरे तक ही सीमित रखना है। मैंने ये सोचा कि जो हमारे गाँव की बहनें हैं उनको साथ में लेके चलना है। तो 2008 में हमने 10 महिलाओं ने मिलकर ये काम की शुरुआत की थी, लेकिन आज बाड़मेर ज़िले की लगभग 30,000 बहनें हमारे साथ में जुड़ी हुई है और पूरे राजस्थान की राजीविका की लगभग 28 लाख बहनों की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो ये मेरे में जिम्मेदारी है कि उन बहनों के लिए भी आगे हमें काम करना है, प्लेटफॉर्म दिलाना है, उनको मार्केटिंग करवानी है। इस तरीके से हर बहन को सक्षम बनाने का कार्य हमें करना है। रुमा देवी जी, जिस इलाके से आप हैं उसमें बच्ची होते ही ऐसा पूरे परिवार में लगता था कि बच्ची के गले पर एक पिता का या परिवार का हाथ चला जाता था कि ये बच्ची अब आगे नहीं बढ़े और वहीं बच्ची का जीवन समाप्त हो जाता था, और आपने इस पूरे सोच को बदला है और आपने एक नई मुहिम शुरू करके बच्चों को नया जीवन दिया है, क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल, जब एक बेटी कुछ करती है तो दूसरी भी वो सोचती है कि नहीं, ये कर रही है तो हम क्यों नहीं। हमेशा मैं गांव से आती हूँ, लेकिन वापस गांव में उन बेटियों के साथ में जाके बैठती हूँ, उन बहनों के साथ में जाके बैठती हूँ और हम अपने मन की बात करते हैं, तो उनको लगता है कि रूमा जी हम में से ही हैं और रूमा जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये सोच में बदलाव आ रहा है। वो अब खुद नहीं पढ़ पाई, लेकिन अपनी बेटियों को पढ़ाने की सोच रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत। रुमा जी, एक बात और कि हम हमारी संस्कृति को छोड़ रहे हैं और जो महिलाएं हैं आधुनिक संस्कृति अपना रही हैं, आधुनिक पहनावा अपना रही हैं, लेकिन आपने अपना आधुनिक संस्कृति को नहीं अपना के और अपना अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अपना पहनावा आप पहनते हैं, और बहुत ही एक झलक आपको देखने को मिलती है कि आप एक भारतीय संस्कृति के उदाहरण बने हुए हैं जी। देखिए, सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन मैं मेरे पहनावे को ही महत्व देती हूँ और आज जहाँ पे भी गई हूँ मैंने मेरे पहनावा नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये हमारी पहचान है। मैं जब इंडिया से बाहर होती हूँ तो मुझे ये नहीं बोलना पड़ता है कि मैं इंडिया से हूँ, लोग बोलते हैं कि आप इंडिया से हैं, और जब मैं मेरी बहनों के साथ में बैठती हूँ तो उनको ये नहीं लगता कि ये कपड़े चेंज करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। चाहे रुमा देवी हो या धोली मीणा हो, इन्होंने अपने पहनावे से या अपनी संस्कृति से एक देश ही नहीं पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया है और यह जता दिया है कि पहनावे से या अपनी जो आधुनिक रूप से कुछ नहीं होता, अपनी संस्कृति तो अपनी संस्कृति है और अपनी जो साहित्य है वो अपना साहित्य है और अपना जो रीति रिवाज है उसके बलबूते पर पूरी दुनिया में हम अपना भारतीय संस्कृति का डंका बजा सकते हैं। ऐसी ही भावना हमारे को रखनी चाहिए, और हमारे साथ में जो तेरापन भवन की अध्यक्ष महिला मंडल की अध्यक्ष हैं उन्हीं से जानेंगे कि आपने रुमा देवी जी को बुलाया है, आखिर क्या सोच के बुलाया है और कितना अच्छा लगा जो रुमा देवी जी आपके साथ आए हैं। बिल्कुल, रुमा देवी जी हमारे यहाँ पधारे, हमारे अहो बात है। आपने बहनों को इतना सशक्तिकरण के बारे में बताया और बहनों में इतनी ऊर्जा पैदा करी है कि आज आपने जो अपनी कहानी सुनाई, जो अपनी आप भी थी आपने सुनाई, उससे बहनों को खूब ऊर्जा मिली है। तो आगे निकट भविष्य में बहनों में इस ऊर्जा का संचार हो, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और आप यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं उमा देवी जी की जो कहानी सुनी है, मुझे ऐसा लगा था कि हमारे आंखों में आंसू थे कि कहीं ना कहीं नारियों के अंदर दुख है और दर्द है और वो उस चीज़ को महसूस कर रही है, और इनकी जो एक मोटिवेशन स्पीक जो इन्होंने दी है उससे हम सब नारी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और जो हमारे अंदर जो दबी हुई प्रतिभाएं थी वो सारी बाहर आने की कोशिश कर रही है। तो हम सभी चाहेंगे कि हम सब भी नारी आगे बढ़े और सशक्त बने। धन्यवाद। हमारे साथ में दीप्ति जी हैं, इन्होंने भी जिस तरह से संघर्ष करके और अपने परिवार की थाती को आगे बढ़ाने में जो जिस तरह से कार्य किया है और परिवार में जो सदस्य हैं उनके लिए एक अपनत्व की भावना को आपने पैदा किया है, क्या कहना है, किस तरह से आप आगे बढ़े हैं और जो अभी जो नवविवाहित महिलाएं हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि परिवार में सासू जी के प्रति, ससुराल जी के प्रति, दादिया सासू जी के प्रति
प्रति, एक पूरे कुटुंब के प्रति कैसा रहना चाहिए? मैं तो यही बोलूंगी कि आपको हमेशा परिवार, एक जॉइंट परिवार के में ही रहना चाहिए। या अकेले रहने की जो सब बातें करते हैं वो करने में बहुत मुश्किल होती है, और तरीका ये है कि आप बड़ों की बात मानते जाओ, आपका अच्छा ही सोचेंगे, आपके लिए कभी वो बुरा नहीं सोचेंगे। और हो सकता है दो तीन चीज़ें ऐसी बोले जो आपको ना उस वक्त समझ में आए, बट ऑन द लॉन्ग रन वो आपके काम ही है। सोनाली जी मारू हैं, बहुत ही इन्होंने एक सभी के लिए प्रेरणादायी हो ऐसे कार्य भी किए हैं, और आज जो उद्बोधन हुआ है उसमें भी आपने खूब महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सूत्र भी दिए हैं। क्या कहना है आपका, किस तरह से एक महिला को आत्मबल रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए? सोनाली इज अ वंडर वुमन। जी जी, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल सब चीज़ों की एक ही सोल्यूशन है कि आप हिम्मत मत हारिए, जस्ट कीप गोइंग ऑन एंड ट्रस्ट मी, एक दिन आप अपनी मंजिल पा ही लेंगे। हिम्मत इज द बेस्ट थिंग, एंड लाइफ में उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं, पर जब आप लगता है कि आपको कोई भी चीज़ गिरा नहीं सकती, कुछ भी चीज़ रोक नहीं सकती, ट्रस्ट मी सब नीचे बाउ डाउन करते थे कि भाई आप चलिए आगे हम आ रहे हैं। सो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड वर्क फॉर इट। सोनाली एक बात और कि सभी महिलाएं आधुनिक जो हैं विचारों वाली, वो एकल परिवार में जाना चाहती है या सिंगल ही रहना चाहती हैं, ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे कि अपना कुटुंब तो कुटुंब होता है? मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगी कि आप अगर एक तरफ आप अगर अलग हो जाएं या आप अलग घर में रहने लग जाएं, तो आप कभी भी लाइफ में कुछ चीज़ अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा डाइवर्जन एक तरफ हो जाएगा। एंड जब फैमिली साथ में होती है आपको बहुत सपोर्ट, बच्चों के लिए फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ, आपको कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, वो सब देख के ही सीख जाते हैं। सो ट्रस्ट मी इट्स अ बेटर ऑप्शन कि आप साथ में रहिए और खुश रहिए। अच्छा उद्बोधन आपने दिया है महिलाओं के लिए कि कुटुंब में रहें महिलाएं, तभी विकास हो सकेगा। एकल महिला का दौर या सिंगल महिला का दौर एक विनाश की ओर ही ले जाता है। जी बताएं सर। मेरा ऐसा मानना है, मेरी दृढ़ धारणा है कि हम चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे का साथ ज़रूरी होता है। हम तब कमज़ोर होते हैं जब हमारे आसपास हमारे दुखों में, हमारी तकलीफ़ों में और हमारे साथ साथ हमारी खुशियों में कोई शामिल नहीं होता। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की यही प्रेरणा थी कि हम कुछ दुआएँ कमाएँ, पैसा ज़रूरी हो सकता है लेकिन दुआएँ कमा कर जाएँ, ताकि हम जब कभी भी तकलीफ़ों में खड़े हों, हम जब कभी भी किसी मुश्किल के आसपास खड़े हों, तो हमें हमारा साथ देने वाले लोगों की एक लंबी कतार हमारे आसपास मिले। यही हमारी सभी की प्रेरणा थी, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात भी हुई, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात भी हुई, तो नेचुरली महिलाएं आध्यात्मिक होती हैं, आध्यात्मिकता के साथ साथ सर्वांगीण विकास की बात भी हुई। तो कुल मिलाकर ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम हम सभी को सफलताओं के एक नए पायदान की ओर ले जाएं, हम सभी को सफलताओं के चरम शिखर पर ले जाएं, यही मेरी मन की मंगल कामना है। का कार्यक्रम महिला दिवस पे था, और प्रेरणा सम्मान समारोह हमने श्रीमती चेतना जी भाटी का दिया है, को दिया है, और श्रीमती रूमा देवी जी भी यहाँ उपस्थित थी, श्रीमती मयंका जी भी, जो एक मिसाल है अपनी ही कर्मों के क्षेत्र में, और हम सबको बहुत इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, और हम डेफिनेटली उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करेंगे। आप बताओ। आज का ये प्रोग्राम जो था विमेन एम्पावरमेंट पे तेरापन महिला मंडल की ओर से आयोजित किया गया, और इसमें एक सेशन जो था वो बिजनेस विमेन पर भी था, जो तेरापंथी हमारी तेरापंथी बहनें जो कि बिजनेस को कैसे अपनी फैमिली बिजनेस को बढ़ा रही है और किस तरह से वो एंटरप्रेन्योर, एक डायनेमिक एंटरप्रेन्योर बन रही हैं, उसके बारे में था। और उसके मुख्य अतिथि सोनाली जी मारू और दीप्ति जी मूडिया थे, उन्होंने अपने बिजनेस टिप्स दिए और कैसे फैमिली और बिजनेस के बीच में बैलेंस बनाते हुए हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ टिप्स दिए और अपने विचार व्यक्त किए। आप बताएं क्या कहना है। इंटरनेशनल वुमेंस डे पे ये तेरापन महिला मंडल की तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी, तो जितने भी पीएचडी होल्डर्स हैं तेरापंथी महिला मंडल के अंदर, हम लोगों ने उनको फेलिसिटेट किया, क्योंकि वुमेन आजकल एजुकेशन के फील्ड में बहुत आगे बढ़ गई है और उसको अक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे बढ़ने वाली जो पीढ़ी है वो उनको देख के इंस्पायर हो सके और अपना करियर बेटर बिल्ड कर सके। ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा था, हमने देखा कि ऑडियंस में भी काफ़ी लोग थे और काफ़ी वो इंस्पायर हुए होंगे। थैंक यू। आज का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा, और मैं सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि कुछ भी अचीव करने की कोई उम्र नहीं होती है, आप किसी भी उम्र में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मैंने भी 45 इयर्स में पीएचडी करी है, तो आप सभी आगे बढ़ें और इसी तरह एक दूसरे को मोटिवेशन देते रहें। यस, मैं कोमल गांधी, आज महिला दिवस सेलिब्रेट किया है, साथ में मेरे डिम्पल जी जो महिला मंडल के मेंबर्स हैं वो कुछ बोलेंगे। कैसा रहा आज का डिंपल जी? बहुत अच्छा रहा। मैं डिंपल सिंह कटवाड़िया तेरापंथ महिला मंडल उदयपुर की एक अच्छी मेंबर के रूप में काम करती हूँ, और आज का प्रोग्राम बहुत ही ये बोल सकते हैं कि मतलब प्रेरणादायक बोल सकते हैं, जिसमें आज हमें रूमा जी देवी का जो एक बहुत अच्छा जो जानकारी प्राप्त हुई उनसे, हमें एक चेतना जी भाटी है
DSP जो है उदयपुर की, उनसे महिलाओं के बारे में, और बहुत अच्छी है, हमें बहुत मतलब बोल सकते हैं कि महिलाओं को एक प्रेरणा जो मिल सकती है आज हमें, वो सब हमें इस मंच पर मिल पाई है। आज के प्रोग्राम हमने पहली बार में बहुत प्रेरणा मिली है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी जो हमारी गेस्ट थी मयंका जी से, उन्होंने पशुओं पर जो हम अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बताया, और कैसे हम दूसरों के अंदर करुणा और संवेदनशीलता जगा सकते हैं उसके बारे में बताया। दूसरी अतिथि हमारी रूमा देवी जी, जो एक छोटे से गांव में पैदा हुई और वहां से उनके पास पैसा नहीं, कोई भी उनकी मदद करने वाला नहीं था, फिर भी वो कैसे उन मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ी और आज पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है और बहुत सारी महिलाओं को वो आज रोज़गार दे रही है, इस बारे में उन्होंने बताया। तो ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि अगर किसी के पास डिग्री नहीं भी हो तो वो महिला भी आगे आ सकती है। अच्छा था, बहुत अच्छा, और सभी महिलाओं ने बहुत एक्टिवेट होकर भाग लिया इसमें, और विशेषकर रूमा जी, और इनका जो इंस्पिरेशन था वो हमें बहुत ही अच्छा लगा। आप बताओ। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, इतनी सब लेडीज आई, अपना टाइम दिया, लंबा टाइम तक प्रोग्राम चला बड़े ढंग से। प्रोग्राम के अंदर हमारी महिला मंडल की नई नई बहनें जो जुड़ी है, इसलिए महिला मंडल को और खुशी हो रही है, और मुनीष जी की प्रेरणा से ये सब हुआ है, इसलिए मुनीष जी बधाई के पात्र है। उनसे प्रेरणा मिलती है, दोनों जो वुमेन्स थी बिजनेस वुमेन्स, उनसे मोटिवेट होने का बहुत अच्छा अच्छा चांस मिला। दीप्ति मुर्डिया और सोनाली मारू ने बहुत अच्छा मोटिवेट किया ताकि महिलाओं को आगे बढ़ने में। मुझे आज का जो नारी शक्ति के बारे में जो बताया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। मुझे भी अपने अंदर से जो फीलिंग हुई खोलने के लिए, अपने लिए जो प्रेरणा मिल रही है, हमें भी लाइफ में आगे कुछ करना चाहिए, केवल घर और बच्चे और किचन को ही नहीं देख के अपने लिए भी समय निकाल के अपने को कुछ करने की प्रेरणा देनी चाहिए इनसे। और हमें भी आगे से आगे और तेज जोड़ कर एक ग्रुप बना के अपना खुद का कुछ प्रोडक्ट खोलने की प्रेरणा मिली। ये बहुत अच्छा लगा रूमा, उनके जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिली कि हम लोग कैसे, मतलब खुद उनके पास कुछ नहीं होके भी उन्होंने इतना सब किया, और हमारे पास इतना सब होके भी शायद हम लोग उनके लेवल तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमेशा घर और बच्चे के बीच में ही रह जाती है, बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं लेडीज में जो उनको खाली बाहर निकालने की जरूरत होती है, ऐसी कोई प्रेरणा मिल जाए या ऐसा कोई हौसला उनको कोई दे तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकती है कि दुनिया के सामने उनका नाम रोशन हो जाए। महिला मंडल के सौजन्य से आज किया गया है, क्योंकि जो नारी शक्ति होती है वह मातृशक्ति है। जग जीवन मानव के संग हो मानवी प्रतिष्ठित, प्रेम स्वर्ग हो धरा मधुर हो नारी महिमा मंडित। पर्दे के पीछे छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने का काम किया है तेरापन महिला मंडल ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी पोरवाल और दीपिका जी का कि उन्होंने इतना वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम यहाँ पे करवाया। थैंक यू। क्या कहना है आपका? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत मोटिवेशनल था। सारी लेडीज को एटलीस्ट ये अपना हिडन टैलेंट बाहर निकालना चाहिए और अपने आप को ग्रो करना चाहिए। प्रोग्रेस हैज नो लिमिट्स, वुमेन कैन डू एनीथिंग इफ शी डिजायर्स। वुमेन्स डे पे मारसा का भी बहुत अच्छा था, मारसा ने भी बहुत अच्छा प्रेरणा दी, और सोनाली मारू ने भी बहुत अच्छा बोला, और दीपिका मोंडिया ने भी बहुत अच्छा बताया बिजनेस के बारे में। आप बताओ। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, हमें सीखने को मिला कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, ये सब मनीष जी की प्रेरणा की वजह से ही संभव हो पाया, ये हमको सीखना चाहिए। अच्छा प्रोग्राम था, उमा जी से हम बहुत इंस्पायर हुए हैं।